न्यूज के प्रायोजक है द नेचर प्राइड रिजॉर्ट। रेन डांस, स्विमिंग, लॉजिंग, डाइनिंग, ये सब सुविधा द नेचर प्राइड रिजॉर्ट रावणवाड़ी में। कोरोना के नए नए वेरिएंट के आने से भंडारा जिलाधिकारी संदीप कदम ने सभी नागरिकों से अपील की है कि कोरोना के दोनों भी टीके अवश्य लगाएं और शासकीय कार्यालयों में बिना टीके के प्रवेश पर मनाई के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद अब नागरिक बड़े पैमाने पर टीकाकरण करवा रहे हैं। उसी प्रकार जिला सामान्य अस्पताल में दृश्य आप देख सकते हैं, जहां लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। कोविड-19 का टीका लेने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वैक्सीन दी जाती है, लेकिन सही नियोजन ना होने से नागरिकों को लंबे समय तक इंतजार करवाया गया और उसके बाद वैक्सीन खत्म हो गई, डोज कल दिया जाएगा ऐसा कहकर लौटाया जा रहा था। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो आप यहां देख सकते हैं, जिस पर नागरिक आक्रोशित हो गए। इस विषय को लेकर BS क्राइम इंडिया न्यूज ने जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर रियाज फारूकी और माधुरी माथुरकर से बातचीत की, जिस पर उन्होंने वैक्सीन की कमतरता की बात को नकार देते हुए स्टॉक पर्याप्त मात्रा में होने की जानकारी दी। इसके बावजूद भी नागरिकों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित होने के बावजूद भी निराश होकर लौटना पड़ रहा है। खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।